फसल बीमा की रकम नहीं मिलने से परेशान ग्राम जजगा और जमड़ी के ग्रामीणों ने अंबिकापुर पहुंचकर फसल बीज खरीदने वाली VNR कंपनी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रकम दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों के बताया अनुसार कंपनी ने सैकड़ों ग्रामीणों से लाखों रुपए की बीज खरीदकर रकम प्रदान नहीं की। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम जजगा और जमड़ी का बताया जा रहा है। बिनार कंपनी का तोराई लगाया था, उसमें से मेरा बीजा फैल हो गया बोलते हैं। मैं कॉल करता हूं तो उन लोग जवाब देते हैं कि तुम्हारा बीजा फैल हो गया है, पैसा नहीं आना है, और कहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे बोलते हैं। कितना पैसा बचा? मेरा सबका मिला के बहुत ज़्यादा है पैसा, 20-25 लाख रुपए जैसे। किसी किसी का तो चढ़ गया है, किसी किसी का नहीं चढ़ा है। क्या कंपनी है, कैसे काम करती है? बिनार कंपनी है, यहाँ दुर्गा दत्त है और सुरेंद्र गुप्ता और चंद्रकांत, ये सब लोग ठगी बना के हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। ठीक, क्या काम करवाते हैं? बीजा लगवाते हैं हम लोग को, बीजा लगवाते हैं, उसका बीजा को उन लोग लेते हैं, फिर लेते हैं लोग लेते हैं, फिर हम लोग का फैल हो गया बोल के पैसा आगमन कर दिया। कितना दिन से? लगभग 1-1.5 साल हो गया। लोगों ने बताया कि VNR कंपनी के द्वारा ग्रामीणों को हाइब्रिड तेरई का पौधा दिया जाता है, जिसे तैयार कर उसके बीज को उक्त कंपनी को बेचा जाता है। वह बीते 1 साल पूर्व ग्रामीणों के द्वारा उक्त कंपनी को बीज बिक्री की गई थी, मगर कंपनी के लोगों के द्वारा बीज की गुणवत्ता अमानक बताते हुए ग्रामीणों की रकम को रोक दिया गया है। सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपए रुकने के बाद परेशान ग्रामीणों ने आज अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उक्त कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर रकम वापस दिलाने की मांग की है। और हम लोग तोराई बीज लगाए थे, पौधा दिए थे उन लोग, तो हम लोग बीज उत्पादन के लिए पौधा देते हैं, तो हम लोग लगाए थे और बीज उनको दिए हम लोग, तो आज तक पैसा नहीं चढ़ा है, 1.5 साल लगभग हो गया। तो बोलते हैं कि फेल हो गया बीजा, और इसी आज कहाँ आए थे? कलेक्टर ऑफिस आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, तो ज्ञापन सौंपे हैं।